मुबारक हो। ज्यादा वैसे एक दिन पहले हम पहुंच आज चुके हैं. बहुत बड़ा दिन है। यस एंड ज्यादा के साथ चढ़ गए बिल्कुल जिक्र बहुत बड़ा करते दिन है। बिल्कुल जी. आज हम सालगिरह मना रहे हैं और सालगिरह है आमना अरशद की. और ये सालगिरह आमना जो है ना बड़ी एक्साइटेड है अपनी सालगिरह को लेके, हैं मेरी तरह और उन्होंने दुबई में आज पार्टी थ्रो की है अपने लिए। और ये सालगिरह जो हम सेलिब्रेट करवा रहे हैं ये कर रहे हैं ये जी करवा रहे हैं अदनान सिप्रियन जो उनके हस्बैंड हैं, गुड गोइंग. और उन्होंने डिमांड की है कि मुझे 14 अगस्त से ज़्यादा बड़ा जश्न चाहिए 13 अगस्त को। तो आज बेसिकली घुंघरू टूटने चाहिए माहो। अच्छा मैं हाँ कोशिश पूरी करिए. देखिए मैं खुद इतनी टूटी भजी हूँ कि मुझे मेरे को गारंटी नहीं दे सकती. हो सकता है बिच ही हफ जावा फिर हाँ ये भी है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी. आई नो इट्स अ बिग डे और इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सिंग एंड हाँ व्हाट तो यू मैं सिंग. ये सोच रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा जश्न है ना तो फिर बनता है कि पेंदी है बरसात वे न जामी अज रात वे दिल मेरा कला और रेंदा नहीं हो चला गल जरा सुन मेरी कहंदी है पैनी है बरसात वे न जामी अज रात वे। लो जी बस क्या आज का बड़ा दिन है। जी और बिल्कुल. आमना जो है ना इनका ट्विटर हैंडल है द अंडरस्कोर लाइनस 13। और हाँ और आप जो है ना सारे लोग इनको फौरी तौर पर फॉलो करें। और ये जो हैं फेमिनिस्ट हैं, और अगर आप भी फेमिनिस्ट हैं तो इनकी ट्वीट्स पढ़ के आपको खुशी होगी। अगर आप नहीं हैं तो आपको गुस्सा चढ़ेगा। इन बोथ केसेस वो जो होता है ना कि कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड कीप योर एंड एनिमीज एनिमी क्लोजर। क्लोजर. तो इसलिए आप सब ने इनको फॉलो भी करना है। और सब ने आज जो है ना बेशक हमारे एपिसोड पे कमेंट ना करें लेकिन सब ने जाके कमेंट उनको सेक्शन हैप्पी में, टू यू कहना है. हाँ उधर बेशक ना करें हमारे कमेंट सेक्शन में सारे हैप्पी टू यू आम ना करें। हाँ ठीक है वो. अब यार अब तो मुझे भी करना है उनको. मैं सुबह से सोच रही थी कि मैंने करना है करना है करना है. तो ये तो हैप्पी बर्थडे निकल रहा है. ये हैप्पी बर्थडे आमना एंड फेलो लियो है वो. फेलो लियो वाह। ठीक है. एक और बेहतरीन शख्सियत मेरे बाद ऑफ हाँ कोर्स. और ये बस वो देखिए ना कि वो इम्प्रूवमेंट ना वक्त के साथ आती चली जाती है। अब ये नहीं जैसे इम्प्रूवमेंट ही नहीं मैं लियो एपिटमी खत्म हूँ. होते हैं तो वर्गो शुरू हो जाता है। एकदम महीना भी मेरे आला है इस हाँ वास्ते मैंने वो ज्यादा चुभता है कि यार तुम सितंबर में चले जाते हैं मेरा ही महीना मिला था. खैर मैंने ये भी बताना था कि जिस दिन मेरी बर्थडे होती है ना उस दिन यूजे की भी होती है. वो ज्यादा खुल खुल आके अब इजहार नहीं कर पाते इस बात का क्योंकि उनको मेरे साथ शेयर करनी पड़ती. वो शर्मिंदा है। अच्छा क्या क्यों हो गया एनी बड़ी चवल देखो पच मैं तो वो जो जर्मन फिलोसोफर गोएते गई. और जी मैं एक दिन पैदा हाय हुए थे। अल्लाह जी हाँ जी हाय. जिनका मैं नाम भी नहीं रेवत. सॉरी गाइस और जो माइकल जैक्सन भी हमारे से एक दिन पहले है या एक दिन बाद आगे है। पीछे ही हाँ है. मडोना और मैं इकट्ठे हाय 28 अगस्त हाय यार। बिल्कुल हाँ बिल्कुल इकट्ठे आए सन. अच्छा, हाँ मतलब तबाही मची हुई हाँ है. उसके अलावा यहाँ पे अली उस्मान कासमी अच्छा और मैं अच्छा सेम है. सेम, फिर वो अली रजा अच्छा वो भी वो सेम। भी सेम है. हाँ हाँ मेरे साथ तो रॉजर फेडरर यूजे डुआलिपा ये सारे मेरे मैं साथ जरा ना हैं. पढ़े ना लिखे लोगों में रहा हूं हमेशा केन से। विलियमसन ठीक है. अब केन विलियमसन भी मेरे साथ है. देखो वन ये ऑफ द स्पोर्ट्स में ग्रेटेस्ट. तो वही जाते हैं ना जिसका जरा ये जरा कमजोर जी हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं. उसकी तुमने शॉट्स देखी जितनी खूबसूरत खेलता है. तुमने फेडरर को देखा कितना खूबसूरत वो खेला है. कितने अरसे तक खेला है. अभी भी इतना यार सेक्सी मेरी बॉल बात लगता है सुनो वो. जब बच्चा जो है वो जब बड़ा हो रहा होता है ना तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे मैं द खेलना सोनी शुरू लिवाई. करता है। वो जो जिसको जो जिस चीज में बेहतर होता है ना वो उसको फिर अपना करियर बना लेते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो जो लोग जहनी तौर पे बहुत तेज होते हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं जाते चाहे वो नेचुरली उनका हो तुम्हें भी। क्या लगता है वो ब्रेन डेड खड़ा होता है वहां पर जब नहीं खेल रहा होता है एंड रिकॉर्ड ने भी बना लेते हैं. लेकिन पता है वो जो मतलब स्पोर्ट्स जो है ना वो उसमें जिस किस्म की कंपेटिटिवनेस होती है ना वो बहुत ज्यादा जहीन आदमी उसमें पढ़ते ही नहीं कि यार बट ठीक है तू जीत गया जा मौजा अरे ले। बड़ा ही कोई गंदा टेक है तुम्हारा. अल्लाह की कसम आज तक जितने स्टैट्स और जितनी कैलकुलेशंस ये सारे लौंडे करते हैं खेलने के लिए तुमने उनके ऊपर पानी फेर दिया कि जैसे उनकी औकात ही कोई है नहीं नहीं. देखिए वो जो सारा स्टैट्स वाला गेम कर रहे होते हैं ना वो खुद नहीं खेल रहे होते।
वो ना एक फौजी को पकड़ के कहते हैं कि मेरा भरा मैं तेनू दसना कि तू अपने गोडे किवें खराब करने ने ये सारे जो फनकार होते हैं ना ये अपने गोडे नहीं खराब करते ये बच्चा लेके आते हैं कि हाँ भी तेरे हड्ड पैर ठीक लग रहे ने तू दौड़ मेरा भरा मैं तेनू दसांगा तू कितने मुंह करके दौड़ना है खुद नहीं दौड़ते ये बड़े फनकार होते हैं जी नहीं आई डोंट एग्री विद दिस एनीवे कमिंग बैक टू द आमना हैव अ ग्रेट डे एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसने अपना मंजन नहीं झाड़ना शुरू किया यहाँ पे कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं ओ भाई वो जिसको जो चाहिए होती है हाँ। लोग हमें कहते हैं जी रुलाओ तो मैं उनको रुला देता हूँ ये अगली ने पार्टी थ्रो कर ली अपने आप के लिए दुबई में हाँ। अब उसको मैं रुलाऊंगा भी तो उसने रोना ही नहीं है वो हैप्पी है हमने भी बात से बर्थडे की तस्वीरें ना मैं डीएम्स में कर देना ठीक है मैं जरूर चेक करूंगी एनीवे गाइस इंट्रो और सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगी अली की बहन को जिन्होंने मुझे ये इयररिंग्स गिफ्ट किए एक और पेयर दिया लेकिन ये वाला मैं इसके साथ मैच करते थैंक यू सो मच आई लव देम अच्छा टेक्सास में भी तुम्हारे फैंस हैं यस ग्लोबल फिनोमेनन ग्लोबल आप लोग मानो या ना फिनोमेनन फिनोमेनन ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अच्छा जी अब हम आ जाते हैं खबरों की तरफ कुछ अच्छा है बहुत सारा बुरा है और हम उस शहर में बैठे हुए हैं जिसकी थोड़ी देर बाद जो है ना मत मारी जाएगी जलसे के साथ लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छी खबर ये दे दूं कि डॉलर जो है वो गिर गया 207 तक जितनी तेजी से गिर रहे इससे तो नजरों से गिर जाना ये डॉलर है ये कातिल तुम्हारी ये मैं आपको फिर बताता चलूं जी कि अमेरिका ने सिंध को $1 million तो तोहफा दे दिया ना कि आप जरा सैलाब वाला जो मामला हुआ था वो तो जरा संभालें हाँ इसके अलावा भी अब जाहिर है वो नाम शाम नहीं मैं लूंगा लेकिन जो है ना काफी सारे डोनर्स जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं अच्छा आंड है मतलब फिर हमने आपको अच्छे बच्चे बन के दिखा दिया है तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं हाँ तो ये मामला चल रहे हैं तो अब आप लोग भी अपना दिल खोलें और हमें पैसे भेजें प्लीज नहीं गुजारा हो रहा कौन सा मिफ्ता आपको चाहिए हमारे में से वो मिफ्ता ही है जो कर गया हम आप हाँ, मतलब मेरा तो यही मिफ्ता है वो आतिफ ये बैग पकड़ाना जरा ये जो कैमरे वाला सीरियसली नहीं मैं लोगों को बताना चाहता अच्छा हूँ हाँ, ये पकड़ा दो ये पकड़ा दो कुछ भी दे दो ये नया कैमरा खरीद लिया अभी एक और खरीदना है 2 दिन के अंदर तो वो पूरी 3 कैमरों की किट हो जाएगी उसके हाँ। बाद आपको शोज मिलेंगे बड़े प्रॉपर तो अच्छा, इसलिए हाँ हाँ इससे ज़्यादा प्रॉपर क्या होता है ओहो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हाँ नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं हम किस गली जा रहे हैं तो वो वाला मॉल होने लगा तो पैसे भेजें प्लीज हाँ प्लीज जरूर पैसे भेजें अच्छा जी ये गाना मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद मुझे वो बहुत पसंद है मेरी कहानी वो ना किसी प्रोग्राम में गाना ठीक है बहुत खूबसूरत गाना है वो अच्छा इसके बाद एक और अच्छी खबर मैं आपको दे दूँ इस दफ़ा इन्होंने जो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में कुछ सेशन इस तरह से किए कि बाहर से बच्चे वगैरह भी आए एंड ऑल दैट तो उसके अंदर बच्चे तो खैर वो क्यूट क्यूट एक बेनज़ीर की तरह पूरा गेटअप करके एक बच्ची आई हुई थी देयर वाज आल्सो ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन देयर बब्बी मलिक के नाम से एंड उन्होंने वो ख़वातीनों हज़रात बेसिकली कहते हैं ना लेकिन उन्होंने स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ख़वातीनों हज़रात नहीं कहेंगे आप हाज़रीन कहेंगे ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है जी वी आर गोइंग टू मेक दिस करेक्शन और फिर उन्होंने हाज़रीन करके मुखातिब किया और फिर सारी वहाँ पर जो है ना बड़ी पावरफुल स्पीच हुई इट वॉज क्वाइट एन आइकॉनिक सिम्बॉलिक थिंग ग्रेट गोइंग ठीक है मोर टूवर्ड्स इंक्लूसिवनेस लॉन्ग वे टू गो दो इतनी जल्दी तो खैर उसमें सुना है कि वो कोई एक छोटा सा बच्चा था उसने कोई इम्पोर्टेड हुकूमत पे भी कोई तकरीर कर दी जिसपे उसको उन्होंने कहा कि बेटा इजी कोई एक्सपंज नहीं किया उसको है स्पीकर साहब एक्सपंज करना चाहिए था रूल्स तो लागू होते हैं कार्रवाई के अच्छा नहीं कोई बात नहीं पर खुला इजहार होना चाहिए इंडिपेंडेंस है फ्रीडम है इजहार राय कीजिए जो भी आपको लगता है लेकिन मैंने दस्या तेरे घर के करीब पाए हुए से मैंने मैंने वापस लेके जाने हैं वो ना मेरे घर के स्टाफ को चाहिए वो कह रही हैं बच्चों दो ना ऐ बड़ा शौक है तो तुम लेके आ जाओ तो फिर मैं लेके जाऊंगी आज उनके लिए अच्छा जी अब आ जाते हैं थोड़ी अच्छा हाँ आप जलसे की तरफ आ जाएं
ठीक है जी, अब जलसा हमने आपने देखा था पीर अली आफ्ताब सईद ने कहा था कि सबसे बड़ा मसला हो सकता है हॉकी स्टेडियम में कि जी वो टर्फ उतारना शुरू कर देंगे अगर वहाँ पे जलसा होता है, उन्होंने ला दी थी, ठीक है, और आज वहाँ पे ही जलसा होगा। हाउएवर आई एम स्टिल कन्फ्यूज के वो आप पे ऐथे आएंगे या पनी गाला तो करेंगे या लाहौर में जमजम वो उधर से किधर क्या जमान पाक से करेंगे, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से करें, लेकिन टर्फ उन्होंने उतार दी। इसके अलावा इससे सब दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि जेल रोड पर ना मैं कल जा रही थी तो सारे जड़े खंभे ने ना लाइटा वाले उधर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा नीचे लगाया हुआ है और PTI का ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा वहाँ तक तो बात मैं थोड़ी आजम करने की कोशिश कर रही थी कि ठीक नहीं है ऊपर लगाना चाहिए था, आज उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, कि सिर्फ PTI करें, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो माहो तुमने ना एक ही उसमें बहुत सारे सवाल कर दिए हैं, ऐसा से कितने कि हम तुम बोलना शुरू कर दे मैं जोन आउट कर जावा जी। एक तो कि तुमने जमान पार्क कहते हुए जो तुम्हारे मुंह से जमजम आ रहे हैं ऐसी कोई बाजारी सोच है तुम्हारी कमर्शियल किस्म की झंडे लगे हुए थे उसके ऊपर क्या कहते हैं खंभों के ऊपर। अच्छा अब वो खंभे के ऊपर जो है ना वो मेरे ख्याल में साइड बाय साइड लगाने का कोई सहूलत नहीं थी, तो वो हमेशा किसी एक ने ऊपर और एक ने नीचे होना। हाँ, पाकिस्तान था उत्ते कर देना है, हाँ, मजबूरी सी बिल्कुल, तो वो एक वो हो सकता था उसमें, फिर ये था कि अच्छा नजर पता नहीं किस पे पड़ रही है, तो ये भी होता है ना मार्केटिंग का कि जी वो जो बिलबोर्ड है वो किस जगह पे है किस एंगल से आप देखते हो तो क्या। अच्छा इतना बड़ा बड़ा मुंह इमरान खान का ना शेरपा ब्रिज के ऊपर लगा हुआ है, यू कांट मिस इट नो मैटर व्हाट। तो एक तो वो तो फिर उन्होंने सोचा मेरे ख्याल में कि एक वक्त में फिर एक ही हम कर लेते हैं, दूसरा ये कि अकेला नहीं, उसे मैंने शेयर किया था ट्विटर वगैरह पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो झंडा है वो ऊपर तो नहीं लगा हुआ लेकिन वो बिल्कुल पाकिस्तान के झंडे के लेवल पे है और जो वो इलाका है ना तो ये भी हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि वो अब पता नहीं किस तरह से इमरान खान साहब जलसा करेंगे, लेकिन हाँ ऑस्ट्रो ट्रफ वाली बात हो गई तो वो जब हमने शो किया उसके बाद और भी कई लोगों ने उसका जिक्र किया, फिर उसके बाद PTI के जो सहाफ़ी हैं उनका मौक़िफ़ आया। अच्छा उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे वो हो, अब मैं वो नहीं कहना नहीं, बोले बोले हम क्या है वो। अच्छा अच्छा और ये तो ऑस्ट्रो ट्रफ ही खराब हो चुकी हुई थी। अच्छा और इसका तो बदलने का पता नहीं हाँ कब फैसला हो गया था कि इसको बदल देना है। अच्छा तो हमने बस तो, आपको फैसिलिटेट कर तो दिया। हमने तो बल्कि किया है कि पहले उतार दिया अब जल्दी से नहीं लग जाएगी। हाँ। अच्छा वो हो गया हाँ कर लो हाँ। तो वो हो गया तो उसके बाद मसला ये था कि वो प्लेयर्स ने कहा है जी कि वो हमने पता नहीं जब लगवाई थी 2016 या 6 व्हाटएवर हाँ। तो तब 6.5 crore की पड़ी थी, नई आई कहाँ से है कब आई है और ये तो अगर अभी आपने ऑर्डर करनी है तो ये तो अगले 8 महीने तो लग जाएंगे इसको लगाने में, तो उतने अरसे अगर कोई प्रैक्टिस करनी है अगर खुदा ना खास्ता में खेलना पड़ गया वैसे तुम्हारी हॉकी फेडरेशन का वैसे ही बड़ा बेड़ा करके तो हाँ। अब प्रॉब्लम फिर वो ये हो सकता है हम गलत कह रहे हो हमें भी क्या पता हाँ। लेकिन अब जरा आप सबने इस पे नजर रखनी है कि अब नई ऑस्ट्रोटर्फ जो इन्होंने वादा किया है ये कितने महीने में लगती है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं हमारी कोई परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं जा रही है कि आप लोग जो है ना पूरे हॉकी के स्टेडियम में तबाह करने लग जाओ जलसे के पीछे। हाँ वैसे ये ना कल मेरे साथ एक बड़ी मजेदार चीज हुई, कल मैं तुम्हें पता है शूट पे था ऐड के अच्छा अब वहाँ पे अच्छा, हाँ मैं सब जो ड्रामा था नहीं अच्छा अच्छा वो उधर जो है ना वो मुख्तलिफ मैनेजर्स और ये वो जो सेलिब्रिटीज के मैं तो खैर बगैर मैनेजर की हूँ मुझे बना लो लेकिन वो जो बड़े बड़े लोग थे ना उनके वो और वो मतलब जो एजेंसीज के हेड और वो अलहदा से एक जगह बैठे हुए तो अब मैं ज़ाहिर है नाम नहीं लूंगा लेकिन ये नहीं ना मजा आता जब तुम नाम नहीं लेते मतलब नाम के अलावा नाम से अलावा वो पैसे नहीं मैं लूंगा पैसों का ना जिक्र नहीं करूँगा लेकिन उसमें ये हुआ कि वो बात हो रही थी कि अरशद नदीम जो है उसको वो भी वापस पहुंचा ही नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लेकिन इन्होंने जाहिर है जब उसने गोल्ड लिया तो उसको बुकिंग शुरू कर दी कि अच्छा इतने ये फलाना ऐड ये फलाना ब्रांड अच्छा। इतने पैसे व्हाटएवर ये तो उसके बाद हुआ ये कि साथ ही खबर आ गई कि उसने इस्लामिक गेम्स में भी गोल्ड उठा लिया। हाँ, इस्लामिक
तो अब उधर मैंने ये भी सुना, ओवर हेयर किया है बात करते हुए कि अच्छा अब हमने जो पिछले एड्स की बुकिंग कर ली है, अब रेट वही रहेगा कि रेट बढ़ जाएगा। तो ये जबरदस्त, ये पॉजिटिव बात है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, नहीं, ये अच्छी चीज है। बस अल्लाह करे वो किसी तरह हिट हो जाए मार्केट में। हाँ, becomes an icon. क्योंकि I think ये सारा मार्केटिंग स्टंट ही है सर, आपने उसको किस तरह से उसको पोजीशन करना है, थोड़ा सा फैंसी पोजीशनिंग कर दे तो बस खत्म। हाँ, और दूसरा ये कि उस बंदे को भी जो है ना थोड़ा सा वो करने की जरूरत है। अब हमारे स्पोर्ट्समैन का क्या होता है कि यहाँ तक हमारे स्पोर्ट्समैन का होता है कि तुम्हें याद है, पुरानी बात हो गई, अब जाहिर है अफरीदी जब आया था नया नया नहीं, अब बहुत अरसे तक, अब अफरीदी जो है एक तरफ बूम बूम के छक्के, दूसरी तरफ गुड लुकिंग इतना कि जिसकी कोई हद नहीं, खत्म ही नहीं होते थे। अच्छा, अब उसको लेना शुरू कर दिया सबने एड्स में, और पता नहीं कितने साल, महीने नहीं कितने साल, उसकी डबिंग कोई और करता था, क्योंकि उसकी आवाज जो थी ना वो लोगों, मतलब वो एड्स के लिए सूटेबल नहीं थी, उसको अभी बनानी नहीं आती थी, उसका तलफ्फुज या लहजा कुछ इस तरह का था। अच्छा, फिर हुआ ये कि अफरीदी वगैरह इंटरव्यू दे दे, ये कर कर, वो सब को आदत पड़ गई उसकी आवाज की, अब वो अपने एड्स में बोलता भी खुद है सारा कुछ। ये अरशद जो है ना, इसको ये करना चाहिए, अगर इसको मिलना शुरू हो जाता है ना काम, फौरी तौर पर कुछ छोटे मोटे दो तीन, अच्छा फिर एक बहुत बड़ी सी कंपनी आ जाती है जो कहती है हमें इतने लाख रुपए दे दो और फिर हम तुम्हारी इतनी ये कराएंगे वो कराएंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ दो तीन छोटे छोटे, हजारों में, लाखों में नहीं, हजारों में कुछ दो तीन बच्चे रख ले, जो एक कोई सोशल मीडिया संभाल रहा है, एक को उसके साथ इंगेज करके उसकी वो ठीक करवा रहा है, एक्टिंग शेक्टिंग पे थोड़ा सा काम हो रहा है साथ के साथ, प्लीज। हाँ, मतलब व्हाई नॉट, ही इज रियली गुड एट इट, तो वो ये करा ले। नहीं, हाँ, तारीफ कर देती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है एकदम से, बेसिकली मैं कॉन्टेंट और निकलवाना चाह रही होती हूँ। देखो माहो, असल में इस दश्त की सयाही में 17 साल वेरी गुड न्यूज के इस टाइम पे मिनट बाय मिनट उनकी अपडेट्स जो है वो जा रही है, एंड एवरीवन इज कंसिडरिंग कि अब रेट्स क्या करने और क्या नहीं करने, को प्रमोट करें, इसकी पोजीशनिंग पे थोड़ा सा पैसा वैसा लगाएं, और हीरोज बनाए ना कॉम के लिए, क्रिकेट से ही क्यों सारे हर दफा लाने होते हैं। अच्छा जी, आगे कीजिए। हाँ, अच्छा ये ना, अब जब इमरान खान, मैं तो पहले वाली भी बात भूल गए, तो हम पता नहीं अरशद नदीम किस में कैसे चले गए, तुम ही आए हो बीच में, तुम्हें एकदम से पहले तुमने क्या बात की थी मेरे से, इससे बेसिकली ये कहना था मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने ये ऐड किया कल यार, बस ठीक है गाइस, तुमने अपनी फड़ मारी थी ना, मार दिया तुमने, हम आगे चलिए, क्या था पीछे क्या छोड़ा था पता नहीं, तुमने सवाल क्या, मैं क्या सवाल किया, मुझे खुद ही याद नहीं है, खबर क्या दी थी यार, मैं तो इमरान खान के जलसे की बात करी थी ना, हम ये कह रहे थे कि अब आप लोगों ने हमें ये बताना है इस चीज पे नजर रखे कि नई टर्फ जो है वो कब आएगी, हॉकी वाली, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि हॉकी की परफॉर्मेंस हमारी इतनी बुरी नहीं रही है इस दफा, वी स्टूड 7th, ठीक है। अच्छा, अरे इधर से ना मैं ऐशबाज गिल पे आ जाती हूँ, वो स्टोरी वो पता नहीं कितनों शुरू हुई है, कितने जान रही है, उसमें उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, बीवी को गिरफ्तार किया गया जिनको अभी रिलीज कर दिया गया है, और ये भी सुना कि बच्चे को भी उनसे दूर रखा गया, ठीक है, सारा कुछ हो रहा था। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कोई उनसे मिलने जा रहा है जेल के अंदर, उनको खाने पीने की सहूलत, कोई सिगरेट ये वो फलाना टमकाना, कोई ख्याल चाल आप लोग कर रहे हैं PTI के सपोर्टर्स जो हैं उनको इस तरह तनहा ना छोड़े, क्योंकि आज सुबह सवेरे ना इमरान खान ने कहा था वो वाली जो लाइन थी ना, बाकी इंटरव्यू ठीक था, वो वाली लाइन जो है ना वो शहबाज गिल को नहीं कहनी चाहिए थी, तो हर कोई डिस्टेंस किए जा रहा है, तो आई गेस किसी ना किसी को तो उनका ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, वो असल में ना उसमें ये है कि जाहिर है उनके कई न्यूज़ चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनकी उनका हाल चाल पूछने कोई भी नहीं आया, ना कोई पार्टी में से, ना कोई जर्नलिस्टों में से, ना कोई फैमिली में से, बल्कि एक अखबार ने तो ये भी लिखा था कि घर वाले अमूमन जब किसी का बंदा पकड़ा जाता है तो खाना भेज देते हैं, तो इधर इनके घर से खाना भी नहीं आया या दवाइयां भी नहीं आई। अच्छा, अब हकीकत है या नहीं ये हमें नहीं पता, ये अखबार की आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जो है वो
जेल वो थाना या जेल जहाँ भी थाने, अब तो जुडिशियल रिमांड में अब गए हैं ना, पहले तो थाने में थे। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि हमने खुद ही खाना शाना तो हम दे ही रहे हैं, बिस्तर भी दे दिया, व्हाटएवर। अच्छा अच्छा। तो एक तो ये है कि अगर तो ये बात गलत है तो मतलब, क्योंकि कई लोगों ने अब ट्विटर पे ये भी लिखा है, फिर वही बात है हमें क्या पता सही है गलत, लेकिन कई लोगों ने ये भी लिखा है कि जी वो हम तो जाते थे मिलने तो पता लगता था कि उनको कहीं और ले गए हैं जिस वक्त। अब ये पता नहीं, फिर भी बात है ना, हमें पता नहीं है। हाँ, अगर हो रहा है तो फिर तो ज्यादती। अच्छा, दूसरी चीज ये है इसमें कि अगर ये बात ठीक है कि उनको कोई नहीं मिलना जा रहा है, तो फिर उस पर मुझे वो हरिहरन की गजल याद आ गई कि इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ। गाओ ना। इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सब के बराबर होता। अच्छा खैर, ये तुम अज़रा तफन्नन था। नहीं, अज़रा तफन्नन बिल्कुल ना, मजाक क्यों उड़ा रहे हो यार? तो लेकिन बहरहाल दूसरी चीज़ ये है इसमें जी कि अब वो जो बंदा था ड्राइवर, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि पुलिस ने कहा जी कि इनके पास जो फ़ोन था वो शायद डमी फ़ोन था, जो असल फ़ोन था वो गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने गाड़ी में फेंक दिया था, और वो ड्राइवर और वो भी दिखाया गया था कि वो डिलीट कर रहे थे इसके सारी तो वो जो ड्राइवर है उसने जाहिर है उसने तो अपनी ड्यूटी, मतलब वो तो शबाज गिल का ड्राइवर है, उसको उन्होंने कहा होगा कि लेके निकल, तो वो निकल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि चलो अगर उसकी गिरफ्तारी करनी भी है तो ये पाकिस्तान में बड़ा पुराना ये एक तरीका है कि अगर आपको कोई बंदा ना मिल रहा हो तो उसकी घर वालों को अरेस्ट कर लो। अच्छा, फिर वही बात है कि ये हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि ये बात जब पहले होती थी तब भी गलत है और ये आज भी गलत है। जो बंदा आपको चाहिए उसी को पकड़े, आपने घर वालों को क्यों पकड़ना है ना, मतलब आप तो आगे से आगे ही जाए जा रहे हैं। मतलब 2022 में जब आप गैर मुल्कियों को बताओगे कि उधर ड्राइवर फाड़ के ले गए, कि ड्राइवर की फैमिली को उठा लिया क्योंकि ड्राइवर को ढूंढ रहे थे, किसी की भी, तो वो दुनिया जो है ना वो हंसेगी भी नहीं, रोएगी भी नहीं, वो बस हैरान होंगे यार। ऐस वाले मेरे घर वाले भी कहते ना, सोच समझ के गल करया कर, तू ना लबी ते असी ते लब जावांगे ना। हां, तो बिल्कुल, ये तो घर वाले भी तुम्हारे कहते हैं और मैं भी कहता हूं। अच्छा, नहीं तो खैर तुम्हारी तो मेरी बात सुननी नहीं है, तो एनीवे। तो दूसरी ये चीज हो गई। तीसरा फिर वो वाला मामला हो गया ARY का, जो जी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उनकी वो कैंसिल हो चुकी हुई है बाय एजेंसीज, विच इज ह्यूज, मतलब मेरे लिए भी ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था। मतलब अभी तक भी मैं, मेरे ख्याल से उस चैनल को रिस्टोर कर देना चाहिए था, बट दिस इज अ बिट टू मच। आप इस इकोनॉमी में जहाँ वैसी वाट लगी हुई है, ठीक है ना, यू आर रिस्किंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन होनी है, आप उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं मौत आ गई जे? अच्छा, इसमें भी अब वही वाली बुनियादी बात है, एक तो ये है कि इतनी ज़्यादा मुतजाद चीज़ें आ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में, आपको पता है कि हम तो नहीं पढ़ते, तो लेकिन इसमें यह था कि जी उनका जो लाइसेंस है वो कोई 2 साल से रिन्यू होने वाला था और जो नहीं हुआ था, और अब जाहिर है हुकूमत को ये हुआ है कि जी वो करवाएं और हम तो नहीं कर रहे आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला। अच्छा, इसमें फिर वही बात, अगर तो एजेंसीज ने कहा है ना, हाँ जी एजेंसीज ने कहा है, तो फिर तो ठीक, मतलब ठीक से मुराद ये है, ठीक गलत इस तरह नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी चीज़ को बैन नहीं होना चाहिए, बात ये है कि फिर जिम्मेदारी कम से कम गवर्नमेंट की नहीं है। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है ना कि हम आपकी सिक्योरिटी क्लियर नहीं कर रहे, नहीं, तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि हर दफ़ा ये जो, मतलब पिछली हुकूमत भी यही करती थी, ये हुकूमत भी यही कर रही है, उससे खैर पिछली हुकूमत भी यही करती थी कि कहीं और से आए हुए फैसलों को वो अपनी ओनरशिप में ले लेते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। तो अच्छा, वो मैं नहीं बोल सकती, बोल। ये जो इनको हमेशा वो लगता है ना कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो फिर 2 साल गुजरते हैं, फिर उनके साथ होना शुरू हो जाता है। How do you not understand this? आप तो कब से हैं इस पूरे विशेष सर्कल। तो इसलिए बुनियादी बात बस ये कि जब तो हो ना कि फैसला कहीं और आप उसकी ओनरशिप में, आप कह रहे हैं कि यार भाईजन मैं तो नहीं कीता, उन्होंने कीता है, जाके पूछ लो, वो जो भी करना कह रहे वो ना, तो ये खेल भी नहीं रहे, ये जो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, और फिर इसमें एक और चीज, ये जब होती है ना इस तरह की चैनल्स की बैनिंग वगैरह, वही वाली बात, हम तो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं जी सारे के सारे चैनल बैन कर दो। बैन करने का तरीका होना चाहिए, बेसिकली बैन आपने नहीं करने, आपने करना है जी कि क्या सच है क्या झूठ है, आपने फलानी जगह पे गलत कर दिया था, 25 डिफेमेशन केस, कोई एक भी चैनल हारेगा तो उसके पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे चलाने के, लेकिन वो है थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा, वो आपने करना नहीं है। ये जो दूसरे इस तरह के मामले होते हैं ना, इसमें अमूमन हमने जो जाहिर है पहली दफा थोड़ी हुआ है, पहला चैनल भी नहीं है, होता बड़े चैनल्स के साथ हुआ है कि इसमें ना एक विश लिस्ट होती है कि अच्छा आप ना वो 5 बंदे निकाल दें,
तो फिर हम वापस बैक टू नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे इनका भी ये देखना पड़ेगा, और फिर भी बात है वही चीज है, हम तो अगर आप ये कहें कि हम ए आर वाई के सपोर्टर हैं तो वो तो ये वो आखिरी चीज होगी दुनिया की जो हम सपोर्टर नहीं, लेकिन जो बात आजादी राय के उसके सपोर्ट में है कि बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बात गलत है वो फिर हर चैनल के लिए गलत है और हर चैनल के लिए सही है, वो चाहे यार भाई क्यों ना हो। वो जो एक लाइन पकड़ के बैठ गए हैं तो बस ठीक है, माफी तलाफी करके खत्म करें। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली होगी, वो ये है कि प्रीवियसली चैनल्स जो हैं वो प्रेशर सस्टेन करते रहे हैं, उन्होंने बंदिशें भी काटी हैं, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, और उन्होंने वो बंदे जो हैं जिनके बारे में कहा जाता था इनको निकाल दो, उनको फायर नहीं किया। अच्छा, अब ए आर वाई पे ये पहली दफा टेस्ट आया है कि अब देखते हैं कि ये लोग रिटेन करते हैं अपने बंदे या ये लोग कहते हैं कि यार भाई ठीक है सुलह करो और ट्रिगर निकालो। मुझे वैसे सुलह फील हो रहा है, तो जो भी मतलब नहीं, सुलह तो वैसे तो सुलह ही होनी होती है, हर दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट का इवेंचुअली हल सुलह ही है, इधर भी होनी है, लेकिन क्या ये अपने बंदे रिटेन करेंगे या ये कहेंगे ऐसी तेरा जानते ही नहीं, तो ये चीज जो है वो देखने वाली है। मतलब एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन आपने बला वजह क्रिएट कर दी है ना इस टाइम पर। अच्छा, मैंने ना कहीं भी इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम नहीं सुना अभी तक, जहाँ एजेंसी का जिक्र करते हैं ना कि नहीं नहीं मैंने तो सुना है, आपने सुना है? क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल में मेरे नहीं मेरे ख्याल में तो सरकार बिल्कुल इसको ऑन कर रही है, सरकार ऑन कर रही है। हाँ, बेसिकली तो वैसे भी पता है, मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में तो सरकार इसको ऑन कर रही है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो एक तो मुझे माफ कर दें, दूसरा मेरी कमेंट्स में करेक्शन भी कर दें, तीसरी चीज पता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसको कर ही रही होगी। मेरा एक बड़ा बुनियादी सा वो है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे जाहिर है वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी तो तनासब से हर चीज़ बढ़ी, मतलब जिस तरह डॉक्टर बढ़ गए, जिस तरह हॉकी प्लेयर बढ़ गए, टेनिस प्लेयर बढ़ गए, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ गए, तो उसी तरह इलेक्टेबल्स भी बढ़ गए। जब इलेक्टेबल्स बढ़ गए तो उन्होंने फैसला किया कि यार एक पार्टी से गुजारा नहीं होता, उन्होंने दो पार्टियाँ बना ली। सो बेसिकली मुझे तो नहीं समझ आती कि नून लीग और पीटीआई डिफरेंट पार्टीज़ कैसे हैं जब हरकतें एक को जैसी हैं। तो वो तो मतलब मुझे बल्कि वो भी समझा दें अगर किसी को समझ आती है कि ये दो अलहदा पार्टियाँ कैसे हैं, नहीं है तो एक ही पार्टी है, उन्होंने बस वो फैसला किया यार हम ज़्यादा हो गए। हाँ, तो फिर हम डिवाइड हो जाते हैं, थोड़े इधर थे थोड़े उधर। खैर, लेकिन प्राइमरीली एंड फंडामेंटली वी डू नॉट सपोर्ट बैनिंग एनी चैनल, इससे पहले कि आप जो है ना इधर से कहीं अखस करके उधर पे पॉज लगा के कहें आप लोगों ने ये कहा था, क्योंकि आप बिल्कुल सीधी बात भी कर रहे हो ना, मैं तो भाई बिल्कुल सीधी बात करके बात खत्म कर देती हूँ, ये थोड़ा सा बीफ जरा ज्यादा करते हैं उसके ऊपर उधर ही मुसीबत पड़नी शुरू हो जाती है कि अली ने तो ये कहा था तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है जी, तो इससे पहले कि हम आगे चलें मुझे पता है तुम्हारे पास खबरें हैं, यहाँ पे हम खुदा हाफिज़ कर देते हैं और इसके बाद नया प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। ओके, बाय।